ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक हो? बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। नहायो? हाय, शैम्पू लगा के, खुशबू लगा के, सोने बच्चे बन के, नमाज पढ़ के। हाय, ओके हो गया। हमारे मोहल्ले में सबकी कुर्बानी हो गई है, हमारी नहीं हुई। हमने जिस कसाई से बात की थी ना कुर्बानी की, वो कसाई से आलकुट चला गया, आज ना हुई तो फिर कल हो जाएगी। तो अभी हमारे मोहल्ले में सबकी कुर्बानी हो गई है, काम शाम कोई नहीं है। मैंने दोबारा से कपड़े पहन लिए हैं और अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त अजाफा के घर। उनकी कुर्बानी हो गई है तो उसने कॉल किया है कि आपका दोपहर का लंच हमारी तरफ से है, तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं लंच करने। अजाफा की बैठक में हम लोग पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक है? आप सुना? फुल कराई करना, ठीक है ना? ठीक है। खाना हमारा आ गया है और साथ हमारे दोस्त भी आ गए हैं सारे। हमारे आफा साहब भी, एक और दोस्त आ गए, और कुकी पहलवान भी आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी ईद मुबारक, सबसे बड़ी ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं छट ना, तू ही बोला लग रहा है ना, कुछ नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अभी ना 3 बज गए हैं, तो अभी कसाई आए हैं, अभी हमें कसाई मिले हैं, तो अभी हम लोग अपने बच्चे को ज़िबा करने लगे हैं। देखिए वो सामने कसाई खड़े हैं, तो मामू जान ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अभी जल्दी से अपने बादशाह को ना ज़िबा करवाते हैं, क्योंकि वो कसाई कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं और भी जाना है, 2-3 बच्चे हम लोगों ने और ज़िबा करने हैं। आप लोग जल्दी अपने बादशाह को लेकर आएँ। ये सामने हमारा बादशाह बंधा हुआ है, अभी इसे सबसे पहले पानी पिलाते हैं, फिर हम लोग इसे कुर्बान करेंगे। माशाल्लाह जी, मुझे कुछ कुछ हो रहा है बादशाह की तरफ देख के ना। अब अल्लाह की राह पे जा रहा है, जाएगा सीधा जन्नत में, लेकिन फिर भी जा तो रहा है ना, तो इस वजह से कुछ कुछ हो रहा है। बादशाह को पानी पिला रहे हैं जी, और टूटी के साथ मुंह लगा रहा है। बादशाह तुरो, अल्लाह के राह पे जाना है, टेंशन नहीं लेनी, सीधा जन्नत में जाके फिर उधर करना एंजॉय। अबू जान भी आ गए हैं, अभी बछड़े को गिराने लगे हैं जी नीचे। अभी जी बछड़ा ज़िबा होने लगा है, देखें जी पूरा सामान रखा हुआ है। चाचू बता रहे हैं कि आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हम लोग गोश्त करके भी चले जाएंगे। चाचू जी एक कुल्फी देना 20 वाली। ये कितने वाली? 20 वाली। बानी हो गई है, अभी सारे गोश्त को घर लेकर जाते हैं और फिर इसके 3 हिस्से करेंगे। गोश्त लेकर घर आ गए हैं, अभी ये कंडा है, कंडे के साथ तोलेंगे, 3 हिस्से करेंगे हम लोग गोश्त। एक ही हिस्सा होता है रिश्तेदारों का, एक ही हिस्सा होता है गरीबों का, और एक ही हिस्सा होता है अपना। तो हम लोग पूरा बराबर करेंगे, मतलब अपना हिस्सा थोड़ा कम भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो जो दूसरे हिस्से हैं उनमें कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो अभी वो करने लगे हैं, क्योंकि अगर कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में ना करें तो फिर कुर्बानी का फ़ायदा नहीं आया, क्योंकि इतने पैसे लगा के सब कुछ करके क्या पता कबूल भी हो कि ना हो। जब 3 ही से फ़र्ज़ हैं, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का और एक अपना, तो वो करने पड़ेंगे, फिर ही आपकी कुर्बानी होगी। अभी गोश्त को तकसीम करते हैं और फिर चेक करेंगे हमारे बादशाह में से कितना गोश्त निकला है। एक दाबरे में 10 किलो गोश्त आया, 10 किलो एक साइड पे, 10 किलो अलहदा,
हम लोगों ने तीन ही से किए हैं गोश्त के, इसमें ज़रा कम ही है, मतलब जब तोला है ना तो इसमें ज़रा कम आया है, ज़्यादा नहीं डाला, ये अपने लिए ही सरक है। और वो जो हड्डियाँ वगैरह ना ज़्यादा, वो अपने ही से में रखी हैं ताकि जब हम लोग तकसीम करें किसी के घर देने जाएँ गोश्त, तो ये ना हो इतना गोश्त हो और उसमें एक हड्डी ऐसी आ जाए और फिर सारा जो है ना वो फिर मतलब वो फिर गोश्त नहीं जाएगा। तो इस तरह ना हम लोगों ने हड्डियाँ सारी इस तरफ कर ली, मतलब अपने वाले हिस्से में, और थोड़ा कम ही रखा। बाकी जो दो हिस्से हैं ना, उनमें से एक रिश्तेदारों को जाएगा और एक गरीबों को जाएगा। अपना हिस्सा हम लोग छत पर ले गए हैं और बाकी जो गोश्त है ना उसको हम लोग छापरू में डाल रहे हैं और फिर देख कर आएंगे रिश्तेदारों के घर। जो रिश्तेदारों के घर देख कर आऊँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, बाकी गरीबों के घर मैं आपको नहीं दिखाऊँगा। तो बाकी फ़िलहाल ज़रा छापरू में डाल दूँ तो फिर मैं देख कर आता हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ भाई मुबारक के घर। बाकी गोश्त अबू जान बांट लेंगे, तो मैं ना पहले भाई मुबारक के घर जाके गोश्त दे कर आता हूँ। मेरे उस्ताद हैं वो, तो उनके घर तो मैं पहले जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं कुर्बानी दे सकूँ आज बड़े जानवर की, या अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, तो उनका ख्याल तो मैंने पहले रखना है ना, बाकी कोई बाकी किसी का ख्याल हो ना हो, उस्ताद पहले, ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक उस्ताद की, दूसरा माँ बाप की, जो मान गया वो आर पार। के घर हम लोग पहुँच चुके हैं उस्ताद जी के घर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक भैया। मैं पहले आ गई। खैर मुबारक हो, तुहानू ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। जी भाई मुबारक का वैरा, माशाल्लाह प्यारा है। इसका नाम नहीं रखा? नहीं, इसका नाम नहीं रखा हमने, रखा था बादशाह। बादशाह? हाँ जी, इसे सेवा कर दी है माशाल्लाह। वही मारता था नहीं? नहीं। ये कुर्बानी नहीं किया आपने आज? ये इंशाल्लाह सुबह सुबह। सही है, खुद ही करेंगे ना? हाँ खुद ही करेंगे। फिर ठीक है। हम लोग इधर आए थे भाई मुबारक के पास, तो भाई मुबारक कहते हैं कि कुछ खाने पीने के बगैर नहीं जाना, तो बोतल तो आप सबको बता के मैंने छोड़ दी है दोपहर की। तो अभी हम लोग ना नींबू पानी बना के पीने लगे। सिकंजी हम लोग ने बना लिया जी, अभी सिकंजी पीते हैं और फिर चलते हैं घर, जाके अभी ख़त्म दबाना है, उसके अलावा गोश्त भी अभी बांटना है, तो इसलिए सिकंजी पी के चलते हैं। पानी वगैरह पी लिया है, अभी शाम होने वाली है तो हम लोग अभी सीधा घर जा रहे हैं। आज का सनसेट चेक करें आप लोग, ईद वाले दिन का सनसेट। और हम लोग इस वक्त घर पहुंच चुके हैं, अभी घर पे चलते हैं। हमारे घर आने से पहले ना अबू जान ने ख़त्म दबा दिया था, दबा दिया था ना? हाँ जी। तो बाकी जो गोश्त देना था सारा बांट दिया, सारा तकसीम कर दिया रिश्तेदारों के घर, सारा आले मोहल्ले में बहन भाइयों में सब बांट दिया, तकसीम कर रहा है। हाँ जी। हमारा काम तो नहीं है अभी कोई? नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं। थैंक यू। तो अभी शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग आराम से सोएंगे। तो सारे रिश्तेदारों के घर गोश्त बांट दिया, हमारी कुर्बानी भी हो गई है। तो ये तो हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सब कुछ रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।